Assalamualaikum students. Students, previous lecture के अंदर हम union और intersection कर रहे थे. आज के lecture के अंदर हम define करेंगे कि De Morgan law क्या होता है और इसको verify किस तरह किया जाता है, इसकी कितनी conditions होती हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि De Morgan law होता क्या है. तो students, the complement of the union of two set is the same as the intersection of their complement. यहां तक आपकी एक चीज है. पहला जो आपने वेरीफाई करना है. दूसरा, एंड द कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेम एज द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट. ये आपकी दूसरी कंडीशन है. जो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी. अच्छा, या ये भी एक चीज याद रखनी है कि सम टाइम कंप्लीमेंट का साइन डैश दिया होता है. अगर सी लिखा हो या डैश दिया हो तो ये दोनों सेम चीजें हैं, आपने घबराना नहीं है. तो पहले डेफिनेशन के अंदर वो कह रहा है कि अगर ए और यूनियन ले बी का और उसका कंप्लीमेंट लें तो वो इक्वल टू होगा किसके, ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट. और जो दूसरी चीज यहां से उसने सेकंड चीज हमें बताई है कि कहता है ए इंटरसेक्शन बी ले और उसका कंप्लीमेंट ले, वो इक्वल टू होगा किसके, ए की कंप्लीमेंट यूनियन बी की कंप्लीमेंट. जिस भी चीज का हमने कंप्लीमेंट लेना होता है तो उसको हम गिवन जो चीज होती है उसमें से माइनस कर देते हैं. तो कंप्लीमेंट लेने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए इज इक्वल टू वन टू और थ्री, जबकि मेरे पास u इज इक्वल टू है फोर सिक्स. अब मैंने a का कंप्लीमेंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, अगर a कंप्लीमेंट मुझे चाहिए तो मैं a को u में से माइनस कर दूंगा. कंप्लीमेंट लेने का तरीका क्या है कि जिस भी चीज का कंप्लीमेंट लेना होता है हमें, हम उसे क्या करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं. अब इसका अगर हम यू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास गिवन आंसर क्या आएगा, टू इसमें है ठीक है जी है, फोर फोर नहीं है, सिक्स सिक्स नहीं है, तो ये ऐसा क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा. तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फाइव के पहले पार्ट पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव का जो पहला पार्ट दिया गया है उसके अंदर जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है De Morgan law की, ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन वैल्यूज दी हुई है, यू की वैल्यू है, हमारे पास नेचुरल नंबर है वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी हमारे पास प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी यू पर डिवाइड नहीं होते. तो 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है अप टू सो ऑन कर देते हैं इसको. तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेरे पास क्या चीज है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या चीज है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. सबसे पहले हम क्या चीज फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए सेट. ए मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, इसका हम यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ. और बी मेरे पास क्या है जी, प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, जब इनका यूनियन करेंगे तो ए ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई डिजिट नहीं है, तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे इकट्ठा करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. ये था ए यूनियन बी. अब हम करने लगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट लेने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्या करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं किसको, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे. यू की वैल्यू मेरे पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, माइनस करेंगे हम किसको, ए यूनियन बी का जो आंसर आया था मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू
अब जब इसका हम क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट लेंगे, तो यू के वो डिजिट्स जो ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है, जैसे कि वन इधर है इधर नहीं है, हम वन को लिख देंगे, टू है, थ्री है, फोर फाइव है इसके अंदर, सिक्स नहीं है, सेवन है, एट नहीं है, अब टू सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। तो ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी। जी स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका तो हमने एज अ होल ए यूनियन बी करके कंप्लीमेंट लिया था, लेकिन इसके ऊपर अलग अलग कंप्लीमेंट है, ए का अलग कंप्लीमेंट है, बी का अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर, तो ए का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ये किस इक्वल होता है, यानी यू माइनस ए करेंगे। U की वैल्यू है मेरे पास 1, 2, 3, 4 अप टू 16, माइनस A मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट। अब A का कंप्लीमेंट लेते हैं, आप U के वो आधार जो A में मौजूद नहीं है, क्योंकि A ऑलरेडी एम्प्टी है, तो U के कोई भी डिजिट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1, 2, 3, 4 अप टू 16, ये था हमारा ए का कंप्लीमेंट। अब हम किसका कंप्लीमेंट लेंगे, बी का कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी हम क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम यू के डिजिट्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 16, माइनस बी हमारे पास है प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 जी स्टूडेंट्स। अब हम वो डिजिट्स देखेंगे जो कि U के अंदर है लेकिन B के अंदर मौजूद नहीं है। कौन कौन से हैं जी, 1 है, 4 है, 5 इसके अंदर है, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसके बाद 7 इधर है, इसके बाद 8 अप टू सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। अब ए कंप्लीमेंट भी हमारे पास आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हम इसका दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 1, 2, 3, 4 अप टू 16। इंटरसेक्शन बी की बी कंप्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास आई थी 1, 4, 6, 8 अप टू 16। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम सेम लिखते होते हैं, सेम कौन कौन से हैं, जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, 1 दोनों के अंदर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, इसके बाद हमारे पास 8 है, इसके बाद हमारे पास 6 और 8 अप टू 16। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी सेम डिजिट्स आए थे और राइट हैंड साइड के अंदर भी सेम डिजिट्स आएंगे, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।